नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, पूजनीय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बैसाख माह में करने के लिए, यदि आपकी कोई मनोकामना है, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, बार बार कोई ना कोई रोग उसे अपने चपेट में ले लेता है, घेर लेता है, तो उसके लिए एक अचूक सा एक रामबाण उपाय बताया है जो आपको इस बैसाख के महीने में करना है। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप सोमवार के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन और त्रयोदशी के दिन यदि यह उपाय को आप करते हैं, सोमवार के दिन यदि इस उपाय को करते हैं, तो इसका अति उत्तम लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको एक बेल का फल लेना है। जी हाँ, बेल पत्री की जगह आपको बेल का फल लेना है। बेल के फल का आपको अंदर से गूदा निकाल लेना है और उसका जो खोल, जो उसका ऊपर का खोल बचता है, उसमें आपको जल भरना है। कुछ समय जल उसमें रहने के बाद आपको एक ताम पात्र में, यानी एक तांबे की कलश में या तांबे का कोई भी पात्र है, उसमें आपको उस जल को डाल लेना है और एक बेलपत्र ले लेना है। अब आपको उस व्यक्ति के नाम से शिव मंदिर जाकर इस जल में से थोड़ा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और थोड़ा जल आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। और जो जल आपने शिवलिंग पर अर्पित किया है, उसमें से थोड़ा जल आप अपने कलश में, अपने पात्र में वापस ले आएं और उस रोगीले व्यक्ति को, जिसको रोग बार बार घेर लेता है, उस व्यक्ति को पिलाना शुरू कर दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसके रोगों में सुधार होने लग गया है और वह ठीक होने लग गया है। साथ ही में यदि किसी व्यक्ति की मनोकामना है, तो इस वैसाख के महीने में वह भी अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। आपको क्या करना है? इस वैसाख के माह में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन या फिर आप हफ्ते में साप्ताहिक दिन में किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। आपको शिव मंदिर जाना है और एक लोटा जल, जिसमें आपको एक बेलपत्र डालना है और शिव जी पर अर्पित करना है और शिव जी को अपनी मनोकामना कहनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, वह शिव अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। आपको बस यह छोटा सा अचूक उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।